Hello everyone, today we are going to discuss the section 63 of the Indian Penal Code 1860. आज हम बात करने जा रहे हैं section 63 धारा 63 भारतीय दंड संहिता 1860. So the section 63 is the amount of fine. कि जो fine लगेगा उसका amount कितना होना चाहिए. Where no sum is expressed to which a fine may extend. जहाँ पे सम जो अमाउंट है फाइन का वो एक्सप्रेस नहीं है कि कितना होना चाहिए, कितना एक्सटेंड करेगा, कि लिमिट कितनी है, देन द अमाउंट ऑफ द फाइन टू विच द ऑफेंडर इज लाइबल. तो जो अमाउंट होगा फाइन का जिसके लिए ऑफेंडर, जिसने ऑफेंस किया है, वो लाइबल होगा, उसको देने पड़ेंगे, इज अनलिमिटेड बट शेल नॉट बी एक्सेसिव. वो अनलिमिटेड हो सकता है लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा. सपोज मान लीजिए कि कोई ऑफेंस किया है आपने, और ए पर्सन है, ए ने कोई ऑफेंस किया है, और उस ऑफेंस के लिए फाइन डिसाइड नहीं है. उसमें लिखा है कि विद फाइन जो पनिशमेंट मिलता है वो मिलता है कि इम्प्रिजमेंट विद फाइन, कि 6 मंथ का इम्प्रिजमेंट मिलेगा विद फाइन. तो जो विद फाइन की बात है तो ये कोर्ट के ऊपर है. इट इज ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द जज कि उसको उस पर्सन के ऊपर कितना फाइन इम्पोज करना है. फॉर एग्जाम्पल अंडर सेक्शन 379 इट इज द पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट. अगर कोई चोरी करता है तो चोरी के अपराध का पनिशमेंट 379 में दिया हुआ है, सेक्शन 379 में. और उसमें बता रखा है कि जो इम्प्रिजमेंट होगा वो आइदर डिस्क्रिप्शन का होगा, 3 साल तक की उसको सजा होगी जिसमें कारावास होगा 3 साल का, और विथ फाइन और विथ बोथ. अगर जज किसी पर्सन पे फाइन इम्पोज करना चाहेगा यहाँ पे, तो फाइन उतना ही लगाएगा जो एक्सेसिव ना हो. अगर उसने चोरी करी है किसी ऐसे चीज़ की, सपोज मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट की चोरी करी है, तो डॉक्यूमेंट की चोरी का प्राइस क्या हो सकता है ये जज के डिस्क्रिशन पे होगा. तो जो डॉक्यूमेंट की प्राइस होगा उसी अमाउंट का फाइन उस पर्सन पे इम्पोज होगा. सपोज मान लीजिए कोई फ़ोन चुरा लेते हैं, तो फ़ोन अगर किसी ने चुराया है तो फ़ोन की अगर वैल्यू पता लगती है कि 5,000 रुपये है, और वो फ़ोन वापस नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो पर्सन अरेस्ट हो चुका है और उसकी ट्रायल चल रही है, अब पनिशमेंट की बारी आ गई, तो जज के ऊपर है कि वो कितना फाइन लगाए. वो अनलिमिटेड लगा सकता है जज, लेकिन एक्सेसिव नहीं होगा. तो फ़ोन अगर मान लीजिए 8,000 रुपये का फ़ोन है, और जज को लगता है कि फ़ोन पिछले 1 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस पर्सन पे जो फाइन लगाना चाहिए वो कम से कम 2,000 रुपये या 3,000 रुपये तो लगाना चाहिए. ये जज के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है, वो सारी सर्कमस्टेंसेस फैक्ट्स को देख के वो फाइन इम्पोज करेगा. सो थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक द वीडियो.